जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में चेक गणराज्य की जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट दस्तावेजों में निखिल गुप्ता के वकील ने ये दावा किया है। वकील ने बताया कि निखिल गुप्ता को लंबे समय तक एकांतवास में रखा जा रहा है। कोर्ट दस्तावेजों में ये भी कहा गया, निखिल गुप्ता अंतिम बार साल 2017 में अमेरिका आया था। अबुधाबी में अगले महीने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। हिंदू मंदिर के उद्घाटन से पहले भारत में UAE के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने कहा, यह सहिष्णुता और संस्कृति की स्वीकृति का जश्न मनाने के लिए एक स्मारकीय दिन होगा। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को करेंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की सूची जारी हो चुकी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के मुताबिक इस बार पहले नंबर पर एक दो नहीं बल्कि 6 देश हैं, यानी इन 6 देशों के पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। यह पासपोर्ट अपने नागरिकों को दुनिया में 227 गंतव्यों में से 194 में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा मुहैया कराते हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराने पर भाजपा भड़क गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी बन गई है। इन्होंने भगवान राम तक को काल्पनिक कहा था, जबकि महात्मा गांधी खुद राम राज्य की कल्पना करते थे। भाजपा ने आरोप लगाया यह कांग्रेस अब गांधी की नहीं नेहरू की बनकर रह गई है। इन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस के नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न समारोह तक को बहिष्कार किया था। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए मणिपुर के कांगपोकपी सेनापति ज्वालामुखी और चुरा चांदपुर में असम राइफल्स की यूनिट का दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब नशीले पदार्थों के खतरे की चपेट में है। कई ऐसे ड्रग माफिया की जड़ें राज्य में हैं जो सीमा पार से नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की संगठित तस्करी में लिप्त हैं। पीठ ने कहा कुछ स्थानीय दवा उद्योग, राज्य पुलिस अधिकारी और कुछ धनी लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का संदेह है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार नहीं पहनकर आ सकेंगे। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र में वर्दी के रंग रूप और अन्य पहनावों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज समेत अन्य जिला अस्पतालों में निजी कृष्णा लैब के कर्मचारियों ने मरीजों के सैंपल लेने का काम बंद कर दिया है। दूसरे दिन गुरुवार को भी कृष्णा लैब में टेस्ट सैंपल नहीं लिए गए। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश में NHM की तरफ से लंबित राशि जारी नहीं किए जाने पर कंपनी ने काम करना बंद कर दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह से प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। ऐसे में इन दिनों पूरा देश प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आने लगा है। इस बीच मंडी जिला में सुंदरनगर के महादेव में प्रभु श्री राम का अद्भुत भव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के हर पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम उकेरा जा रहा है। बीते 25 सालों से इस मंदिर का निर्माण चला है। 79 वर्षीय पद्म सिंह ने वर्ष 1998 में विजयदशमी वाले दिन इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। सेना बनाम सेना की लड़ाई में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिला से ही शुरू होगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सुखाश्रय योजना के बाद राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल मंत्रिमंडल में दो मंत्रियों की सवारी आ रही है तो गाजे बाजे सहित तकनीकी शिक्षा, आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। इस लेख को आप धर्माणी गोमा से अपेक्षा शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीना इसी का नाम है, PK खुराना का लेख भी यहां छपा है। राष्ट्र के विकास की नींव है युवा, अनुज आचार्य का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। और शिल्कू की छाबड़ी में आपको सुरेश सेठ का लेख एक चुप हजार सुख पढ़ने को मिलेगा।
और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ग्रेड 2 और तकनीकी पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट mha.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने और शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।